चैप्टर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, इसके आज हम इस वीडियो में नोट्स करेंगे। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेना। मैं आप लोगों को इस वीडियो में इस चैप्टर के पूरे पॉइंट टू पॉइंट नोट्स देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लोग देख लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके एक कमेंट भी कर देना, और अपने सारे फ्रेंडों को इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी इस वीडियो का यूज़ कर सकें। ओके, फिर जल्दी से आप लोगों को मैं इस वीडियो में सारे पॉइंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ सेल आ गया, और फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस हो जाएगा आप लोगों का, और यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में भी आप लोगों के डिफरेंस हो जाएंगे। ओके, और फिर आगे चलते हैं। ये है आप लोगों का सेल। सेल के अंदर क्या क्या होता है वो आप लोगों का है, और आप लोगों को शॉर्ट पॉइंट में आंसर लिखने हैं, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहो। आप लोगों को इस वीडियो में एकदम शॉर्ट नोट्स देने वाला हूँ आपको, और इसलिए इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए हुए देखना। आप लोगों को सारे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे इस वीडियो में। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। नोट्स, शॉर्ट नोट्स के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फटाफट अभी नोट्स पे फोकस करते हैं। तो ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद आ गया अब हमारा सेल मेम्ब्रेन। ये जैसे देख रहे हो सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये आप लोगों को सारा यहाँ पे है। तो आप लोग इसे एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हो। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के बारे में आप लोगों को छोटे छोटे नोट्स अगर चाहिए तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो। अदरवाइज मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नोट्स लेके आने वाला हूँ। तो फटाफट हम अपने नोट्स पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे है हमारा आइसोटोपिक सॉल्यूशन, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये आपके सॉल्यूशन है। उसके बाद है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल का ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बट ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो बिना स्किप किए आप लोग इस सारे वीडियो को देखते रहना। मैं इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 5 क्लास 9th का कंप्लीट करवा दूंगा सारे नोट्स। कोई भी आपके नोट्स इस वीडियो में छूटेंगे नहीं, आपके सारे नोट्स इसी वीडियो में मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, A to Z विद शॉर्ट्स पॉइंट्स। शॉर्ट्स पॉइंट्स ही मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम परफेक्शन के साथ बताने वाला हूं। तो यहां पे आप लोग देख लो, आप लोगों को हर एक पॉइंट के बारे में मैं बताने वाला हूं। और यहां पे आ गया हमारा फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और फिर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और फिर अब फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। अब प्लेटिसाइड, तो प्लेटिसाइड का हमारा कुछ ऐसा डायग्राम होता है। अब प्लेटिसाइड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लेटिसाइड्स के बारे में यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे पॉइंट्स देख लो। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में आ जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है हमारा फंक्शन, ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ये हमारा पॉक्यूल्स का फिगर है। वॉक्यूल्स का फिगर में क्या क्या होता है आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। ओके, हर एक चीज़ को आप लोगों को मैं बारीकी से दिखा रहा हूँ, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। कोई भी स्किप करेगा, और अगर आप लोगों को नोट्स हैंड रिटन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगा अपने वेबसाइट पर। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वेबसाइट की भी लिंक मिल जाएगी, तो आप लोग एक बारी डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके हमें